हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के डायलर में जाएंगे। डायलर में जाने के बाद में यहाँ पे फ्रेंड आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कॉल हिस्ट्री, सेटिंग, हेल्प। तो फ्रेंड यहाँ से आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी स्पैम का, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सी कॉलर एंड स्पैम आईडी का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपका ये ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ से आपका ये ट्रू कॉलर की जगह काम करता है। तो फ्रेंड यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉकड नंबर्स का। तो फ्रेंड यहाँ से आपको ब्लॉकड नंबर पर क्लिक करना है। ब्लॉकड नंबर पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है इनकॉन का। तो फ्रेंड यहाँ से अगर आप अपने फोन के जितने भी इनकॉन नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके जितने भी फोन में इनकॉन नंबर होते हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं। आपको अगर अपने फोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना है तो ऐड अ फोन नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपना नंबर डायल करेंगे, जो भी नंबर आपको ब्लॉक करना है। उसके बाद यहाँ से ब्लॉक पे क्लिक कर देंगे, आपका ये नंबर यहाँ से ब्लॉक हो जाता है। इन फ्यूचर अगर आप इसी नंबर को अनब्लॉक करना चाहते हैं तो प्लस का एक आइकॉन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अनब्लॉक पे क्लिक कर देंगे। तो फिर यहाँ से आपका जो नंबर होता है वो यहाँ से अनब्लॉक भी हो सकता है। तो फिर यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का। तो फिर यहाँ से आपको कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिला था एडवांस सेटिंग का, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिला था कॉल फॉरवर्डिंग का, यहाँ से आप अपनी कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आप अपनी कॉल वेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिला था कॉल रिकॉर्डिंग का, तो कॉल रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। जाने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिला था नंबर नोट इन योर कॉन्टेक्ट। फ्रेंड यहाँ से अगर आप अपने फोन के जितने भी इनकॉल नंबर आते हैं रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। सिलेक्टेड नंबर पे आके यहाँ से आप अपने फोन के कोई भी एक पर्सनल नंबर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑलवेज रिकॉर्ड स्टार्ट पे क्लिक ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है चूज अ कॉन्टैक्ट का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट का कोई भी एक नंबर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से आप बैक होंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टोर बाय नेम फॉर्मेट। तो फ्रेंड यहाँ से आप अपने स्टोर बाय पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आप अपने कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वर्जन का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से फ्रेंड आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे हैप्टिक्स एंड टोन्स का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ से आपके फ़ोन के जितने भी साउंड होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आप जो भी यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉइस मेल का, वॉइस मेल में जाएंगे। यहाँ से फ्रेंड अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो फ्रेंड यहाँ से आप बहुत ही सिंपल तरह से वॉइस मेल छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है फ्लिप टू साइलेंस का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको फ्लिप टू साइलेंस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड देखिए ये थी हमारी कॉल सेटिंग। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।